नमस्ते सिद्धांत, नाम है मेरा। लल्लन टॉप देख रहे हैं। यूपी का देवरिया जिला, यहाँ के एक अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा स्ट्रेचर को धक्का लगाते दिख रहा है। सामने की तरफ से उसकी माँ उसी स्ट्रेचर को खींच रही है। वीडियो सामने आया तो सवाल उठा कि कहाँ का है, ऐसा क्यों हुआ, क्या कार्रवाई हुई। सारे सवालों के जवाब देंगे, पहले ये वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे। वीडियो में दिख रहे बच्चे का नाम शिवम है। उसके नाना छेदी यादव 3 जुलाई से सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं। उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर है। शिवम की माँ बिंदु ने इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े पत्रकार आरपी सिंह राम प्रताप सिंह से बात की। बताया कि वो लोग गौरा गांव के रहने वाले हैं। 3 जुलाई को उनके पिता गाय चराने गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे मारपीट की और उनके हाथ पैर तोड़ दिए। मरीज की पत्नी बीमार है, ऐसे में बिंदु अस्पताल में अपने पिता का ख्याल रख रही हैं। उनके साथ उनका 4 साल का बेटा भी अस्पताल में है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो 18 जुलाई का है। इस बारे में बिंदु ने बताया है कि पिता को ड्रेसिंग के लिए ले जाने के लिए कोई कर्मचारी उनकी मदद नहीं कर रहा था। कोई राजी होता भी तो बदले में 30 रुपये मांगता। बिंदु रोज 30 रुपये नहीं दे सकती थी, इसलिए खुद ही स्ट्रेचर खींच कर ले जाती थी ड्रेसिंग करवाने। शिवम पीछे से स्ट्रेचर को धक्का देता था। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ने अमित किशोर हैं, तो उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मदद का आश्वासन दिया और वार्ड बॉय को हटा दिया। उन्होंने बातचीत में बताया कि ये लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं, मैंने परिजनों से बात की है, छेदी यादव का इलाज चल रहा है, पत्नी पार्वती देवी भी बीमार रहती हैं, वो भी उस दिन बेहोश हो गई थी, दोनों का समुचित इलाज चल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोविड संबंधी मास्क वगैरह उन्हें दे दिए गए हैं। पहली नज़र में जो वार्ड बॉय दोषी पाया गया है उसे तत्काल CMS साहब द्वारा हटा दिया गया है और जो एजेंसी है प्राइम क्लीन की उन्हें भी नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि उनके लोग भी हड़ताल पर थे वेतन विसंगति को लेकर। जवाब तलब किया जाएगा, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी में अब तक कोरोना के 50,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, 30,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, 19,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं और 1192 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर देवरिया का एक केस है जो कोरोना से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा स्ट्रेचर धकेलते हुए दिखता है। इस खबर को हमारी साथी लालिमा आपके लिए लेकर आई थी। मैं हूं सिद्धांत, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।